दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि एक केमिकल सेक्टर की स्टॉक है और कंपनी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है। तो कंपनी का नाम है श्री रॉयल सीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड। कंपनी के बारे में ज्यादा जानने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। तो आइए जानते हैं उस कंपनी के बारे में। आप लोग मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं कंपनी का नाम है श्री रॉयल सीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड। आप लोग आज की क्लोजिंग अगर हम लोग देखें तो करीब 398.25 रुपीज की आज की क्लोजिंग है। अगर हम लोग कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू देखें तो देखें आप लोग देख सकते हैं कंपनी अभी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे भी ट्रेड कर रहा है और कंपनी आरओसी और एफडी बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। आप लोग अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ये कंपनी आपके बैंक डिपॉजिट से भी ज्यादा रिटर्न देता है और कंपनी डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है। कंपनी का अभी एंट्री पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी ये ओवरबॉट जोन में भी नहीं है और कंपनी के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि ये कंपनी एएसएम और जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी देखें आप लोग देख सकते हैं कंपनी का लो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है। अगर हम लोग कंपनी का 1 ईयर का रिटर्न देखें आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपनी ने 1 ईयर में करीब 62% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ ये कंपनी एक केमिकल सेक्टर की स्टॉक है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैप देखें तो करीब 665 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है और कंपनी के ऊपर करीब 71.51 करोड़ का डेब्ट है। कंपनी का पी यानी कि स्टॉक का पी करीब 10.99 का है और सेक्टर का पी करीब 24.54 का है और कंपनी का अगर हम लोग देखें प्रमोटर का करीब 62.09% की प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में है और कंपनी का फ्री कैश फ्लो करीब 50.12 करोड़ का है। इस वजह से हम लोग इस कंपनी को एक डेट फ्री कंपनी भी मान सकते हैं। लोग इस स्टॉक का इनकम स्टेटमेंट देखें आप लोग देख सकते हैं हायर देन इंडस्ट्रीज रेवेन्यू ग्रोथ है और कंपनी का यानी के केमिकल सेक्टर इंडस्ट्री के जो भी कंपनियां हैं उन कंपनी का अगर हम लोग एवरेज रेवेन्यू देखें जो कि करीब 9.31% के, लेकिन इस कंपनी की करीब 20.11% की एवरेज इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है और कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज कर रहा है जो कि 0.88% का मार्केट शेयर से कंपनी का मार्केट शेयर करीब 1.48% का हो चुका है। इस कंपनी में एक नेगेटिव बात है क्योंकि कोई भी कंपनी में पॉजिटिव चीज और नेगेटिव भी होती है। इस कंपनी में लोअर देन इंडस्ट्रीज इनकम यानी कि कंपनी का इनकम अपने इंडस्ट्री से बहुत ही कम है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री का अगर हम लोग नेट इनकम देखें जो कि करीब 27.3% का है, लेकिन इस स्टॉक का यानी कि श्री रॉयल सीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो का करीब 19.32% का लास्ट 5 ईयर का इंडस्ट्रीज नेट इनकम है। टोटल रेवेन्यू देखें आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 917.46 करोड़ का हो चुका है, इबेटा करीब 136.92 करोड़ का हो चुका है और कंपनी का अगर हम लोग नेट इनकम देखें आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 में करीब 36 करोड़ का था और फाइनेंशियल ईयर 2019 में 20 करोड़ का हो गया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018 और 2019 के बीच में कंपनी का नेट इनकम थोड़ा घटा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 में आप लोग देख सकते हैं करीब 37.91 करोड़ का कंपनी का नेट इनकम हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का नेट इनकम करीब 60.56 करोड़ का हो चुका है, यानी कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू यानी कि सेल्स में ग्रोथ आ रहा है, इबेटा में भी ग्रोथ आ रहा है और कंपनी का नेट इनकम में भी धीरे धीरे ग्रो आ रहा है। आप लोग को इस कंपनी में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है क्योंकि ये स्टॉक जो प्रोडक्ट बनाती है मैं आप लोग को पहले भी बोल चुका हूँ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है। आप लोग को इस कंपनी में दीपक नाइट्रेट जैसे रिटर्न भी मिल सकता है। चार्ट पे आ चुके हैं आप लोग चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन बनी हुई है। ये तीनों लाइन में पहले आप लोग को बता देता हूँ जो रेड कलर की लाइन है वो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है और जो येलो कलर की लाइन है वो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है और जो व्हाइट कलर की लाइन है वो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। इस स्क्रीन पे मैंने आप लोगों के लिए वीकली कैंडल लगाया हुआ है यहाँ यानी के यहाँ पे
हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग इस कंपनी में आज से बाय करते हैं तो हम लोगों का एक स्टॉप लॉस करीब 266 रुपीज में रहेगा, यानी कि कंपनी का अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डेज का देखें जो कि 266 रुपीज का है, इस लेवल में हम लोग एक स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ से हम लोग एक बहुत ही बड़ा टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे। हम लोग को इस कंपनी में एक दीपक नाइट्रेट जैसा रिटर्न भी मिल सकता है। आप लोग देखे होंगे दीपक नाइट्रेट में कैसे रिटर्न हम लोग को मिल चुका है पहले भी, इस कंपनी में भी आप लोग को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक डिटेल्स पाने के लिए आप लोग और एक चीज भी कर सकते हैं, तो अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।